लो भाई, विभू को स्कूल से लेके आ गई हूँ, मखाने के लिए परेशान है। लॉलीपॉप नहीं है, पापा इनके मखाना मंगाए। कहाँ रखा है गुड्डा? वही है ड्रॉर में। कौन से ड्रॉर? ड्रॉर में छुपा के रखा है। ऐसे लॉलीपॉप आएगी, अपने ने छुपा के रखा है। तो याद है मैंने वीडियो बनाया उस बिल का, मैं आपको ईमेल करके डाउनलोड भी कर लिया है। क्या डाउनलोड किया है इसने? इसने फोटो वीडियो बनाया है, चिप्स खाए हैं कि सारे जो लॉलीपॉप आएंगे वो विभू रखेगा, और जो प्रोटीन बार, दो प्रोटीन बार हैं वो मेरे हैं। ये वीडियो बनाए हाँ। प्रूफ के तौर पे हाँ। हद हो गई यार तुम लोग। बाकी सब, और मैंने उसको डाउनलोड कर लिया तो ये अभी बदल नहीं सकती है। क्रीम एंड अनियन, तीन पैकेट लॉलीपॉप। कैसा है? सच में चिप्स जैसा है भाई। ये भी तो सुनने मिलेगा क्यों? अच्छा फ्लेवर किया गया है ना। मैंने उसे स्मॉल टिफिन के लिए मंगाया है, कभी कभी स्मॉल टिफिन में डाल सको, समझे? ये नहीं पेट भरने के लिए है वो, समझे? गुड मॉर्निंग, नो नो, गुड आफ्टरनून। अभी स्कूल से लेके आई हूँ जस्ट। आज सुबह से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया था। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। मैं बस अभी जस्ट स्कूल से लेके आई हूँ, आते ही ये देखिए कपड़ा भी नहीं बदले हैं, मखाना भी टूट पड़े। मखाना आज मंगाया था स्मॉल टिफिन के लिए, स्मॉल टिफिन के लिए। थोड़ा सा थोड़ा सा इस बोल में दे दो गुड्डा, एक बोल में लिखा हो झूठा राम। मखाने के विभू बोल में लो, उसमें जूठा हाथ कर करके डाल रहे हो। बोल हाँ, दो बोल दो, ये उसमें ले खाए। बदमाशी नहीं, दो बोल दो, निकाले अपना जितना खाना है। अब बंद करके रख दो, ठीक है? तुम भी ले लो, खा लो। बैग देखो कैसे टेबल पर रखे हो, बैग से अपनी वो टिफिन वगैरह निकालो, खा के जल्दी से कपड़े बदलो, नहाओ, समझे? जल्दी नहाना भी यार, नहा लो, टिफिन निकाल दो पहले बैग से, रखो उसको। हाँ मैं भी जा रही हूँ चेंज करने। अभी मैं बनाने चल रही हूँ केले का पकौड़ा। तो इसके लिए मैंने केले को, कच्चे केले को उबाल लिया है। प्याज और हरी मिर्च, जो मोटी वाली मिर्च होती है, तीखी नहीं होती है, इसको बीज निकाल के काट लिया है। इसको जितना प्याज है उसका आधा हमने मिर्च भी काटी है। ये लीजिए, ऑयल डाल दिया, ऑयल में डाल दिया जीरा, हींग, उसके बाद में ये मिर्च और प्याज को इसमें डाल दे रही हूँ। इसको खूब अच्छे से भुनेंगे थोड़ी देर तक, बस केले को हम मैश कर लेंगे। खूब अच्छे से मैश कर लीजिए, और प्याज और मिर्च को उतना ही भुनिए कि जले ना, मतलब कि ब्राउन नहीं हो, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, तब तक उसको भुनना है हमें। और केले को खूब अच्छे से मैशर से अच्छे से मैश कर लीजिए। उधर जो हमने प्याज और मिर्च भुन रहे हैं, इसमें डाल देते हैं मसाले, हल्दी, लाल मिर्च अपने हिसाब से, कितना तीखा खाना चाहते हो। पकोड़े तो तीखे ही अच्छे लगते हैं, पकोड़ा बोल लीजिए या कोफ्ता, दोनों इसी तरीके से बनते हैं, सेम ही मेथड है। और ये मैंने नमक डाल दिया, ज़रा सा गरम मसाला डाल के, नींबू या अमचूर डाल के, फिर इसको खूब अच्छे से भुनेंगे। नींबू या फिर अमचूर, दोनों आपके ऊपर है, खटास के लिए या तो नींबू निचोड़ दीजिए दो, या फिर अमचूर डाल लीजिए। अब ये जो हमने केले को ये देखे उबाल के रखे थे, उसको डाल के भून लेते हैं। खूब अच्छे से भुनेंगे थोड़ी देर, टाइम लगा के इसको, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, दो मिनट में हो जाएगा बस। बस मिला दिया खूब अच्छे से, मसाला तो पका हुआ है, एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए।
इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर इसके बाद आइए ऑयल डाल दिया, इधर बेसन, नमक डाल दिया, ज़रा सा हल्दी डाल दिया। इसको पानी डाल के घोल लेते हैं, एक लिक्विड ऐसा घोल बनाएंगे जो कि न तो बहुत ज़्यादा पानी हो और न ही ज़्यादा बहुत गाढ़ा हो, ऐसा कि उसमें लपेट ले अच्छे से, जैसे कि हम मिर्च के पकोड़े या फिर इस तरह बनाते हैं उसी तरीके से। तो देखिए इसी तरह से गोल गोल करके केले के पकोड़े इस तरीके से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। और मोटी मिर्च है तो उसमें इस तरीके से भर सकते हैं आप। तो मिर्ची बड़ा भी बन जाएगा इसके साथ साथ, और अपना पकौड़ा भी यानी कोफ्ता भी। तो इस कोफ्ते को बना के आप ऐसे सूखा भी खाइए, या फिर आप ग्रेवी बना लीजिए टमाटर की, ग्रेवी बना के इन कोफ्तों को डाल सकते हो, या फिर इस तरीके से सूखा बना के, देखिए बेसन के घोल में मैंने केले के जो कोफ्ते बनाए हैं उनको इसे बेसन के घोल में लपेट लपेट के इस तरीके से तल ले रही हूँ। और जो मिर्ची हमने भरी है मिर्ची को भी इसी तरह बेसन में लपेट के और इसको देखिए तल ले रही हूँ। बस ये कोफ्ते बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये लगे हैं मुझे खाने में। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको आप ग्रेवी के में डाल के खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो खूब हल्का बादल होने लग गए हैं, ये देखिए ऊपर बादल हो रहे हैं, लग रहा है बारिश आएगी। नीचे बड़ी सुंदर सी कार खड़ी है नैनो, तो देखते हैं शायद बारिश आने वाली है। और मैं बाहर निकल आई, थोड़ा अच्छा लग रहा था, बादल धूप चला गया है, बादल घेर रहे हैं, बारिश होगी। तो आज शाम को प्रोग्राम है ऊपर हमारे पड़ोसी के यहाँ, वहाँ पे भजन संध्या भजन वगैरह है भगवान जी की, तो उसमें मैं जाऊंगी। तो इसलिए अभी मैं इस वीडियो को, इस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मतलब आज के ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।